सही बच्चों नमस्कार, मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं जगदीश भाई जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है बल का वो न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट जो होती है न्यूटन होती है। इस न्यूटन को हम सीजीएस सिस्टम यानी सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है डाई में हम चेंज करेंगे। यानी बल का जो मात्रक होता है टॉर्क फोर्स का बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। न्यूटन किसमें होता है? एमकेएस पद्धति में, एमकेएस कह लो या एसआई पद्धति कह लो, इसमें बल का मात्रक एसआई होता है। और सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है बल का वो डाइन होता है, डाइन होता है और सीजीएस पद्धति। तो अपने पास क्वेश्चन ये है कि जो एसआई मात्रक होता है बल का या एमकेएस मात्रक होता है, उस एसआई मात्रक को या एमकेएस मात्रक को हमको सीजीएस पद्धति के मात्रक में चेंज करना है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ में इसके जैसे सभी प्रश्न एक जैसे हल होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो। ये जो क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं वीमी विधि से यानी डायमेंशन मेथड से हम चेंज करेंगे कि बल के एसआई मात्रक को हम सीजीएस मात्रक में चेंज करेंगे, एसआई यूनिट को हम सीजीएस यूनिट में हम चेंज करेंगे। तो इसके लिए अपने पास एक फार्मूला होता है एम टू इक्वल टू एन वन एम वन अपॉन एम टू। इस फार्मूले का उपयोग करेंगे हम की पावर ए एल वन अपॉन एल टू की पावर बी और टी वन अपॉन टी टू की पावर सी। ये जब भी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में हम चेंज करते हैं तो उसके लिए फार्मूले का यूज किया जाता है, एक सूत्र का उपयोग किया जाता है। और ये सूत्र हमारे पास होता है एम पी टू एल वन या एम लिखना या ए लिखना या टी लिखना। अब दो सिस्टम है, दो पद्धतियाँ हैं, इसलिए एक को ऊपर वाले को वन लिख दिया और नीचे वाले को हमने टू लिख दिया। तो एक पद्धति के मात्रक को जब हम दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलेंगे, कोई सा भी हो, चाहे कार्य हो, बल हो, दाब हो, कोई सा भी हो, उसमें चेंज करने के लिए कोई सा भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इस तरह से अपने को एक फार्मूला लिखना है। इस फार्मूले के बेस पर हम किसी भी सवाल को हम हल करेंगे, सभी सवाल एक जैसे ही रहेंगे। अब मान लो कि हमारे पास यहाँ बल दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपने को बल की विमा मालूम होना चाहिए, डायमेंशन मालूम होना चाहिए। फोर्स की बल की जो डायमेंशन होती है बल की विमा हमने निकाल रखी है, एक वीडियो पूरा विमा वाला बना रखा है, उसको अच्छी तरह से याद कर लें ताकि इस तरह के कोई भी प्रश्न हल करने में अपने को आसानी होगी। तो बल की विमा होती है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू ये फोर्स की डायमेंशन होती है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि एम की पावर वन है, एल की पावर वन है और टी की पावर माइनस टू है यहाँ पर। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, ये एम है, ये पूरा एम मान लिया, ये एम है, तो यहाँ एम की पावर ए है और ए की जगह यहाँ पर कितना है वन है, यहाँ एम की पावर ए है और यहाँ एम की पावर वन है। यदि हम दोनों की हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं तुलना करने पर, दोनों की तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, कंपेयर कर, कंपेयर करने पर क्या होगा, यहाँ ए की वैल्यू कितनी आएगी वन, बी की वैल्यू कितनी आएगी वन, ये एल है, एल की पावर कितनी है बी और यहाँ ए की पावर कितनी है वन, टी की पावर कितनी है यहाँ पर सी और यहाँ टी की पावर कितनी है माइनस टू है। तो इन दोनों के लिए कंपेयर करते हैं, ए ए इक्वल टू वन, यानी एन की पावर यहाँ पर जो है वो ए है और यहाँ एन की पावर कितनी है वन, इन दोनों पावर को इक्वल कर रहे हैं, बराबर कर कंपेयर कर। अब बी की पावर देखो यहाँ बी है और यहाँ कितनी है बी की पावर, ए की पावर वन है और यहाँ ए की पावर बी है, तो बी इक्वल टू कितना है वन है। और सी देखो कितना है सी, ये सी है और यहाँ सी किसकी पावर है टी की, यहाँ टी की पावर कितनी है माइनस टू, तो सी इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा। तो इस तरह से इस फार्मूले से, इस डायमेंशन फार्मूले से हम ए बी सी की वैल्यू हम निकालेंगे, ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, ए बी सी, इस तरह से ए बी सी की वैल्यू हम निकालेंगे। अब ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पुट करेंगे तो एन टू इक्वल टू एन वन, कैसे लिखना एम वन अपान एन टू की पावर ए, ए की वैल्यू कितनी निकालेंगे वन निकाले, देखो ए की वैल्यू वन है, इस ए की जगह हम वन पुट करेंगे, बी की जगह वन पुट करेंगे और सी की जगह माइनस टू पुट कर देंगे,
ये वन पुट कर दें, एल वन अपान एल टू की पावर बी, बी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे वन, और टी वन अपान टी टू की पावर माइनस टू। इस तरह से हमने ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ए का मान वन, बी का मान भी वन, और सी का मान माइनस टू, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी। और एक चीज ध्यान रखना अपने को, एम के एस पद्धति को सी जी एस पद्धति में चेंज करना। क्या करना है, एम के एस को हमको सी जी एस में चेंज करना, एम के एस को सी जी एस में चेंज करना। तो एम के एस वाले जो भी होंगे उसको हम वन मान लेंगे, और सी जी एस वाले होंगे उसको हम टू मान लेंगे। या जो वन वन में लिखे सर, एम के एस में, एम के एस सिस्टम का मतलब आप समझते हो, एम के एस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, एम के एस का मतलब ये होता है। तो जो वन वन में लिखे होंगे ये सब वन वाले, यानी एम वन, एल वन और टी वन, ये एम के एस में मान लेंगे। तो टू वाले को हम सी जी एस में लिखेंगे, सी जी एस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये दो पद्धतियाँ होती हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड, सी से मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ये टू वाले में मालूम है एम टू एल टू। इस प्रकार जो ऊपर हमने वन 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 लिखे ये एम के एस पद्धति में होगा। एम के एस पद्धति का मतलब था मीटर किलोग्राम सेकंड, लंबाई को हम मीटर नापेंगे, लंबाई मतलब एल, एल की जगह मीटर लिखेंगे, द्रव्यमान की जगह हम किलोग्राम लिखेंगे, और समय की जगह हम सेकंड लिखेंगे वन वन। तो टू वाले को क्या लिखना है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लंबाई को हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, ये अपान में आ रहा है टू वाले, तो अपान में लिखना सेंटीमीटर ग्राम ग्राम, एम टू की जगह ग्राम लिखेंगे, और समय की जगह हम सेकंड लिखेंगे। तो इस तरह से किलोग्राम बटे ग्राम, मीटर बटे सेंटीमीटर, और सेकंड बटे सेकंड आ जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे कि एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो इसलिए 1000 ग्राम लिखेंगे। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर के हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो इस तरह से आगे हम लिखेंगे कि एन टू इक्वल टू एन वन, एक किलोग्राम को 1000 ग्राम लिखेंगे, 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम बटे एक मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर, और समय को क्या लिखेंगे, सेकंड अपान सेकंड का की पावर माइनस टू, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। फिर एक चीज ध्यान रखना कि किलोग्राम में था, एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ 1000 लिख दिया और यहाँ 100 सेंटीमीटर लिख दिया, और इसको हम सॉल्व कर लें, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया है, वहाँ पे एन टू इक्वल टू आ जाएगा एन वन, यहाँ से 100 होगा, 1000 इंटू 100 इंटू वन, देखो किसी की पावर माइनस टू है इसका मतलब उसका वैल्यू वन होगी, पावर कुछ भी हो वन की हमेशा वन ही होगा, वन की पावर माइनस टू आ जाए प्लस टू आ जाए कुछ भी आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा वन ही होती है। तो एन टू इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एन वन, 3 2 5 10 की घात 5 हो जाएगा, 10 की घात 5 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब देखो एन वन जो है ऐसा सिस्टम है, यदि एन वन का मान 1 हो, एन वन इक्वल टू 1 न्यूटन, ऐसा सिस्टम में मान हमने न्यूटन में ले रखा है तो उसको न्यूटन में लिखेंगे, एन वन का मान यदि 1 दिया हो तो इसकी जगह 1 कर देगा, एन टू इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 × 10^5, और एन टू कौन से पद्धति में आएगा, सी जी एस पद्धति, और सी जी एस पद्धति में आता होता है 1 का डाई, ऐसा ही में एमकेएस में न्यूटन होता है, और सी जी एस पद्धति में एन टू सी जी एस पद्धति वाला है, इसको हम डाई में लिखेंगे। अब यहाँ से क्लियर है कि एक न्यूटन का मान, एक न्यूटन इक्वल टू 10^5 डाई के बराबर होता है, 10^5 डाई के बराबर होगा, कभी आ जाए एक न्यूटन का मान सी जी एस पद्धति में कितना होता है, 10^5 डाई के बराबर होता है। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। हम इसमें सिंपल विधि से अपन कर सकते हैं कि जो बल का जो मात्रक होता है, बल को हम क्या लिखते हैं, एम एल टी माइनस टू के रूप में लिखते हैं, बल की विमा एम एल टी माइनस टू, ये बल की विमा। तो यदि अपन इससे लिखें चेंज करें तो द्रव्यमान को किलोग्राम लिखेंगे, लंबाई को मीटर लिखेंगे, और समय को सेकंड का स्क्वायर लिखेंगे,
माइनस 12 नीचे लिखते हैं, तो इसको बल का मात्रक हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें ऐसा ही पढ़ेंगे, किलोग्राम मीटर सेकंड, द्रव्यमान को किलोग्राम, लंबाई को मीटर, समय को सेकंड। अब इसको सीजीएस में चेंज करना, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में चेंज करना, तो किलोग्राम की जगह हम ग्राम लिखेंगे, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, गुणित मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है, अपान सेकंड में सेकंड ही होगा, एक सेकंड में एक सेकंड ही होगा, सेकंड का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा, 10 × 5 हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर अपान सेकंड का स्क्वायर, और इसको हम सीजीएस पद्धति कहते हैं, जिसको डाइन से प्रदर्शित करते हैं, 10^5 डाइन होता है, डाइन का मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को डाइन कहते हैं, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि मान लो कि क्वेश्चन पूछा है था विमी विधि से चेंज कीजिए, तो फिर ये पूरा अपने को विमी विधि से सॉल्व करते आना चाहिए, एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति की मात्रा में चेंज करेंगे। अब हम कार्य के एसआई मात्रक जूल को सीजीएस मात्रक अर्थ में परिवर्तित करेंगे। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, इसको एमकेएस मात्रक भी कहते हैं, और सीजीएस मात्रक जो होता है वो अर्थ होता है। तो जिसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था कि बल को बल के एसआई मात्रक न्यूटन को सीजीएस मात्रक डायरेक्ट चेंज किया था, उसी तरह से हमारे पास कार्य को हम चेंज करेंगे। तो पहले मैंने बताया था कि फार्मूला याद होना चाहिए, N2 = N1, M1/N2^A, L1/N2^B और T1/T2^C। ये फार्मूला होता है जिसकी सहायता से कोई भी सवाल एक पद्धति के मात्रक को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम चेंज कर सकते हैं। ये जरूरी कि कार्य बल के ही सवाल हो, मान लो प्रेशर का आ गया या और कोई एक्सलेशन त्वरण का आ गया, वेग का आ गया, यानी कोई सा भी फार्मूला हो उसको चेंज करना हो, तो इस फार्मूले में अपने को याद रखना है फार्मूला, और साथ में इसकी विमा याद रखना है जिसको चेंज करना हो। जैसे कार्य को चेंज करना हो तो कार्य की डायमेंशन अपने को विमा मालूम होना चाहिए, ML इस पर T-2 होती है कार्य की विमा। मान लो इसके स्थान पर त्वरण आ गया तो उसकी LT-2 होती है, त्वरण की विमा LT-2 होती है, तो उसको हम M0 LT-2 लिखते हैं। तो इस तरह से वेग आ गया तो वेग की विमा LT-1 होती है, M0 LT-1 लिखते हैं। तो जिसको भी चेंज करना हो उसकी विमा आपको मालूम होना चाहिए, यदि उसकी विमा ज्ञात होगी तो हम उसको एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति की मात्रा में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम कार्य की बात कर रहे हैं, कार्य की विमा M0 T-2 होती है। अब एक चीज ध्यान रखना, M^2 यहाँ जो लिखा होता है वो ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है, तो A = 1 यानी M^1, B = 2 मतलब M^2 और C^-2। ये ए होती है, ये बी होती है और ये सी होती है, बस ये चीज ध्यान रखना, सी ये बी और ये ए होती है, A = 1 B = 2 और C = -2 होती है। अब यहाँ ए बी सी के मान रखते हैं, ए के स्थान पर क्या रखते हैं 1, यहाँ 1 रख दो, ये 1 रख दो, बी के स्थान पर क्या रखते हैं 2, यहाँ 2 रख दो, और सी के स्थान पर क्या रखते हैं -2, यहाँ -2 रख दिए। इस तरह से ए बी सी के मान यहाँ पार्टिकल में फुट करते हैं रख देंगे। फिर आपने क्या करना है कि एस एम के एस को सी जी एस में बदलना, एम के एस वाले जो 1 वाले हम मानेंगे उसको एम के एस पद्धति मानेंगे। अब एम के एस पद्धति क्या होती है मैंने बताया था, एम के एस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी लंबाई आएगी तो उसको मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान आएगा तो किलोग्राम में और समय आएगा तो सेकंड में। सी जी एस क्या होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, मास को किलोग्राम में, ग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं। तो जो 1 वाले हमने ऊपर माने थे ये 1 1 1 1 इसको हम एसआई सिस्टम में ले रहे हैं, एम के एस में, ये द्रव्यमान है इसको हम किलोग्राम लिखेंगे, ये लंबाई है तो मीटर लिखेंगे, ये समय है तो सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड, अपान में ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। तो इस तरह से दोनों को अपने को लिखते आना चाहिए, बस किलोग्राम अपन ग्राम, मीटर अपन सेंटीमीटर, सेकंड अपन सेकंड। तो यहीं से लिख लेना कि ये किलोग्राम अपन ग्राम, मीटर अपन सेंटीमीटर, सेकंड अपन सेकंड। तो इस तरह से करते हैं। फिर क्या करेंगे, वैल्यू रखते हैं N2 = N1, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम
एक ग्राम, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर अपान 1 सेंटीमीटर, और सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा कि पावर कैंसिल। एन टू इक्वल टू क्या आएगा, एन वन 1000 इंटू इसका स्क्वायर लगा दें, स्क्वायर 100 इंटू 100 ये कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इंटू ये 1 होगा, 1 की पावर माइनस 2, ये ना 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, उसकी वैल्यू क्या रखना। एन टू इक्वल टू आएगा एन वन इंटू 3, 2, 5, 2, 7 यदि एन वन इक्वल टू 1 हो, 1 मतलब जूल, क्योंकि एसआई पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है, या एमकेएस जूल होता है, तो एन टू का मान कितना आएगा, 1 × 10⁻⁷ हो जाएगा डायमीटर, यानी एक जूल का मान बराबर 10⁻⁷ डायमी आएगा, अर्ग आएगा, इसको अर्ग होता है, ये बल का मात्रक डाइट होता है, सीजीएस में सीजीएस के कार्य का मात्रक अर्ग होता है, एक जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। तो इस तरह से ये हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक पर आसानी से चेक कर सकते हैं। एक जूल का मान 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है, इसको अच्छी तरह से याद रखना। अब समझ आ गया चेंज कैसे करते हैं, तो ऊपर वाले 1 वाले एमकेएस में और नीचे 2 वाले सीजीएस में। यदि प्रश्न इसका उल्टा पूछते कि सीजीएस को एमकेएस में चेंज कीजिए, तो ऊपर सीजीएस लिख देना, नीचे एमकेएस लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब आप एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में आसानी से चेंज कर सकते हैं। अभी हमने विमा की सहायता से कार्य के एसआई मात्रक को सीजीएस मात्रक में चेंज किया था, और उसका मान आया था 1 जूल = 10⁻⁷ अर्ग के बराबर आया था। अब हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं इसको। डायरेक्ट कैसे करेंगे कि बल कार्य की विमा होती है m L²T−2, तो m को हम मान बोलते द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, लंबाई का मीटर होता है, मीटर का स्क्वायर, समय का होता है सेकंड, ये माइनस टू का अपन इसको बटे में लिख सकते हैं, अपान में लिख सकते हैं। अब इसको हम सी जी एस पे चेंज कर रहे हैं, ये एम के एस मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकंड, इसको हम सी जी एस पे चेंज करेंगे, तो किलोग्राम किस में चेंज करना पड़ेगा, ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, इंटू मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 × 100 का स्क्वायर हो जाएगा 100 × 100, अपन सेकंड का सेकंड ही रहेगा क्योंकि यहाँ भी सेकंड होता है और सी जी एस में भी सेकंड होता है, तो 100 × 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर × 100 सेंटीमीटर दो बार लिखना, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा अपन सेकंड का स्क्वायर, कितना जाएगा, 1000 तो 3 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 3, 2, 5, 2, 7 यानी 1 × 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेकंड का स्क्वायर, यानी कहने पर तो ये जो मान आया ये कौन सी पद्धति में आया, वहाँ पर सी जी एस पद्धति में आया, सी जी एस पद्धति में। तो एक वहाँ पर जूल का जो मान आएगा, एक जूल का मान आएगा 1 × 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है, इसी को हम अर्ग नहीं कहते हैं, सी जी एस पद्धति मात्र होता है अर्ग। तो दोनों से आंसर एक ऐसा ही आएगा, बस अंतर ये है कि वो विमी विधि से हमको विमा याद होगी तो सॉल्व होगा, और ये डायरेक्टली हम इसको एमकेएस पद्धति के मात्रक हम सीजीएस पद्धति के मात्रक हम चेंज कर सकते हैं। अब अपने मालूम होना चाहिए एमकेएस में जूल होता है और सीजीएस में अर्ग होता है, तो 1 जूल का मान 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।